जल्दी से कपड़े खोलते हैं और बनते हैं इनकी तरह। तो हम चल पड़े हैं और आगे देखो अभी ऐसा। ये लो, ये कांड कर दिया। हे गाइज, वेलकम अनदर ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। और अभी हो रही है गुड मॉर्निंग समथिंग, 11:12 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग तो क्या, आफ्टरनून होने वाली है। और हम निकल रहे हैं आज वाटर पार्क के लिए। अब वाटर पार्क जाऊँगा, काफ़ी इन्जॉय करेंगे। और मैंने मेरे कपड़े भी ले लिए जो वहाँ पे चाहिए और मैं पूरा रेडी होकर निकला हूँ। पहले कोई इरादा नहीं था, फिर अचानक से ना जैसे ही मेरे को पता लगा कि वो जा रहे हैं तो मैंने बोला और फिर ठीक है प्लान हो गया। फिर क्या, वो जा रहे हैं मोटी पार्टी तो हम क्यों नहीं जाए भाई, उनके साथ हम ही चलते हैं। ऐसा करके बस प्लान हो गया तो अब चलते हैं। अब आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे भी तो इन्जॉय करना है ना काफ़ी। तो चलते हैं जल्दी से, वो आ रहे हैं गाड़ी से, फिर गाड़ी से यहाँ से निकलेंगे और फिर वहाँ पर इन्जॉय करेंगे। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ और बैग लिया है। बैग में थोड़े बहुत कपड़े हैं वो डाले हैं ताकि वहाँ पर चेंज करूँ तो कोई इशू ना हो। और यहाँ पर मेरे को गेट के पास जाना है बस, फिर यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी, वो आएँगे भैया तो उनके साथ फिर चलेंगे हम और काफ़ी इन्जॉय करेंगे आज। डेफिनेटली काफ़ी इन्जॉय करेंगे और अब इन्जॉय है। और है ना आईफोन से ब्लॉगिंग करने के बाद भाई देखो, आईफोन लिया जेब में डाला, ब्लॉग शुरू। ये लो, मेरे को यहाँ वेट करते 10 से 15 मिनट होगी लेकिन अभी भैया लोगों का कोई हता पता नहीं है। रोड बिल्कुल खाली है इधर भी और इधर तो वैसे ही खाली है, क्योंकि इधर खाली है तो इधर भी खाली है। ये जरूरी नहीं है कि इधर खाली इधर खाली, पता नहीं कुछ भी, छोड़ो इसको, वेट कर रहा हूँ मैं बस। भाई लेट होने का ये फ़ायदा हुआ है, सबसे पीछे नंबर आया है, बाकी देखो सब अपनी अपनी जगह बैठे आराम से। उससे भैया से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे को आगे आ जाने दे, लेकिन बोल रहे हैं अभी आ जाना आते टाइम, अभी तो नहीं आने देगा, नहीं आने देगा, नहीं भैया आ देगा। बाकी ठीक है गाइस, अभी चल रहे हैं वाटर पार्क, देखते हैं वहाँ पे कितना इंजॉय होता है। बाकी वहाँ पे ऐसे मेरे को पता नहीं कुछ भी, वहीं चलेंगे, वहीं देखेंगे क्या होता है। I've been looking out for somebody just like you, but then you... So guys, अभी रुके थे ठंडा लेने के लिए, थोड़ा माइंड ठंडा करना है, ले ली ठंडा, अब वापस चलेंगे। So guys, अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? तो गाइज फिलहाल फाइनली पहुंच चुके हैं वाटर पार्क और कुछ इस तरीके से हैं ये, और ये अजमेर में। तो यहाँ पे पहुंच गए हैं और अब करेंगे फुल इंजॉय। वो रहे हमारे राकेश भैया, वो कर रहे हैं उधर अकेले इंजॉय। आ जाओ अभी चलेंगे, बाकी गाड़ी अंदर पार्क कर रहे हैं और फिर चलेंगे अंदर और इंजॉय करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो आप चारों ओर फुल दबा के लोग हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, देखिए और अंदर से भी काफ़ी बड़ा है आज, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो मेनली तो पहले गाड़ी पार्क कर रहे हैं और गाड़ी पार्क हम इधर कर रहे हैं, इसमें से जो भी आइटम हमारे चाहने के वो लेंगे और कपड़े चेंज करने हैं मेनली। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ भीड़ देख के अनुमान लगा लो कि यहाँ पे कितने लोग आते होंगे, और फुल दबा की भीड़ है। ये बाइक्स की, यहाँ पे ये बाइक्स खड़ी है देख सकते हो, दूर वहाँ तक है पूरी दबा की बाइक है। उधर गाड़ियाँ हैं और उधर भी गाड़ियाँ, और अब तो यहाँ पे जगह भी नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए, अभी काफ़ी मस्त वाली भीड़ हो रखी है। तो गाइज अभी लेते हैं यहाँ पे टिकट, और पर पर्सन 600 रुपये टिकट है। हमारे राकेश भैया टिकट लेने के लिए गए हुए हैं अभी, यहाँ पे हो रही है टिकट के साथ एंट्री, और ये रहा हमारा टिकट 600 रुपये का पर पर्सन। जो भी कपड़े चाहिए उनकी व्यवस्था है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी वहाँ घर से सब लेके आए हैं, और इधर मामा जी भी देखो ये लेके हो गए रेडी। इधर मिलेंगे हमें सभी लोकर, ये रे अब हमें उन्हें कपड़े खोल के रेडी, तो जल्दी से कपड़े खोल दें और बनते हैं इनकी तरह। तो गाइज फाइनली हम हो गए रेडी ये सेटअप लगा के, और बाकी हमारे साथ है सब रेडी हो रहे हैं। ये राकेश भैया का उलिया, ये देखो फुल मजे। गाइज अब करेंगे यहाँ पे फुल इंजॉय, देख सकते हो आप चारों ओर फुल सब दबा के मजे कर रहे हैं आराम से। कितनी भीड़ है यहाँ पे देखो, सब लोग अपने अपने एंजॉय में लगे हुए हैं, और हमारी पार्टी इधर से पीछे से आ रही है। से फिसल रहे हैं और इधर से चलेंगे नीचे, और देख सकते हो वाटर पार्क काफी बड़ा है इधर। हमारे भाई लोग निकलने के लिए तैयार है। Thank you.
यहाँ दो लोग वेट के जाते हैं, तो इसका वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन है और इसका वेट कर रहे हैं। इसके बाद में हम इसमें बैठ भी जाएंगे। ये नीचे जाते हैं, ऊपर वाला तो मैंने खा लिया। काफ़ी ऐसे डरावना स्टार्टिंग में लग रहा था, लेकिन डरावना उतना लगा नहीं भाई। इस लाइन के चक्कर में तो खड़े खड़े के बाल ही सूख गए, और देखो अभी भी नंबर नहीं आया। अब हमारा नंबर है, हम जाएंगे इसमें। अब इसमें भी कुछ इसी तरीके से आते हैं, वहाँ से आ रहा है बंदा, अभी देखना और इधर आएगा और अभी देखना, ये निकल गए, ऐसा आते हैं इसमें भी। इधर ज़्यादा वाटर में रहने की वजह से मेरे को एक दिक्कत होने लग गई, जो मेरे नाके यहाँ से दुखने लग गए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, इसी कारण से गला खराब हो रहा है। बाकी देखो, बाकी फुल इंजॉय कर रहे हैं बस। गाइस ये इधर स्विमिंग पूल, गाइस अभी कर रहे हैं स्विमिंग पूल में थोड़े मजे। तो सभी लोग कल आएंगे व्लॉग में, क्या चल रहा है वोटर भाई। गाइस अभी मैंने आईफोन वगैरह का चार्ज और बाकी ब्लॉग अभी शूट कर रहा हूँ, चार्ज लगते लगते, और अभी बाकी लोग तो उधर है कपड़े चेंज कर रहे हैं,
मैं कपड़े चेंज करके आ चुका हूँ और फिर अब निकलेंगे घर के लिए। घर के लिए नहीं, पहले हम जाने में होटल में, वहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम किशनगढ़ और यहाँ पे कपड़े की शॉप में आ रखे हैं। और भाई वहाँ नहाना के ना हालत ही खराब हो गई मेरी, तो एक कान में तो अभी तक भी पानी है फुल दबा के, इसका तो पता ही नहीं घर पे टैंक वैंक भरेंगे। इससे चल रही है चाय की चुस्कियाँ और उधर देखो, इधर देखो राकेश भैया को दबा के चाय पियेंगे। और अभी फिर होटल में चलेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगी है। मैं सुबह ना थोड़ी सी खा के आया था इसके चक्कर में। ये मित्तल शॉप किशनगढ़ में कपड़े की सबसे बड़ी शॉप है, वहाँ पे बैठे हैं। और देखो इधर इधर अंकल जी अच्छी खासी सेवा कर रहे हैं हमारी। तो गाइस अभी वापस निकल रहे हैं और अभी चलेंगे हम होटल, और यहाँ की फेमस होटल है हमारे दूदू के पास में लाडी होटल, वहाँ पे चलेंगे। सभी लोग निकलेंगे वापस, तो चलते हैं गाड़ी में। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रखी थी। और देखो ये मुकेश भैया को देखो क्या लेके आए, उसमें इसमें नींबू लेके आए मुकेश भैया। क्या करोगे इनका, निकल रहे हैं और हमारे ये बड़े भैया बोल रहे हैं कि आप होटल में ना खा के घर पे खाओ। नहीं, इनको क्या बताएं कि होटल के मजे कुछ अलग होते हैं। तो भाई चले चलो, तो यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा फोटोशूट, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपको मिल जाएगी सभी फोटोज। तो गाइज अब चलते हैं होटल में, फोटोशूट हो चुका है, अब होटल में चलेंगे। गाइज मुझे सबसे सुंदर होटल में ये लगा, देखो इसमें मछलियाँ और ये जार लगा रखा है, क्या मस्त आराम से मछलियाँ, देखो क्या क्यूट लग रही है। तो हमने चूज किया है ओपन एरिया, ये छत पे, ये झूला भी यहाँ का प्रसिद्ध झूला है, काफी प्यारा झूला है। तो प्लेटें तो आ चुकी है कंप्लीट, अभी आएगा खाना। उधर एक भैया को पता ही नहीं क्या हो गया, वो पता ही नहीं अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। आ जाओ, अभी अपना खाना आ चुका है और सब खाने लग गए, अब हम भी खाते हैं। तो गाइस अब फाइनली खाना खा के अब निकल रहे हैं यहाँ से, और ये हमारे मुकेश भैया सबसे लास्ट में रह गए, अब चलते हैं और नीचे चल के आइसक्रीम वगैरह भी खाएंगे। तो गाइस अब खाना खाने के बाद थोड़ी आइसक्रीम खा रहे हैं और सब भैया लोग और पीछे लेके आ रहे हैं, मैंने भी ले लिया और मैं भी खा रहा हूँ। बाकी गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पे, अभी चलेंगे फिर। गाइज यहाँ पे लाइटिंग से बना रखा है DUDU दूदू, लेकिन यहाँ पे DUDI होता तो मेरा लास्ट नेम आ जाता, बाकी नहीं है तो अभी तो आइसक्रीम ही खा लेते हैं। ये लो, ये कांड कर दिया हमने, बैकअप के लिए लगा रखा है यहाँ पे, तो बैकअप दे दिया भैया को, अब बैकअप काम में आ जाएगा हमारा। तो गाइज अभी निकल चुके हैं वापस घर के लिए, और आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू। तो गाइज अभी जा रही है ये ट्रेन, प्यारी कितनी लग रही है देखो, क्या बात है भाई, क्या क्यूट लग रही है यार, खतरनाक क्यूट लग रही है देखो।